हाय फ्रेंड्स वेलकम टू द यूपीएससी पीसीएस फोरम आज हम पढ़ेंगे के रिगार्डिंग क्वेश्चंस को इसके पहले हमने मुगल एम्पायर के एनसीआर एमसीक्यू में फोर्टी सेकेंड नंबर क्वेश्चन तक देख लिया था आज हम फोर्टी थर्ड नंबर क्वेश्चन को देखेंगे इसके साथ ही मैं आपको बोलूंगी अगर आपने चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर शेयर एंड सब्सक्राइब करें और प्ले में जाकर आप चेक कर सकते हैं जोग्राफी का डिटेल वीडियो बना हुआ है घटना चक्र से रिगार्डिंग आपको क्वेश्चन आंसर देखने को मिलेगा और एनसीआर का एमसीक्यू सीरीज में मैंने जो हिस्ट्री है उसको कंप्लीट कर दिया अब हम मेडिवल हिस्ट्री को देख रहे हैं और इसके साथ ही मैं बोलूँगी कि अगर आपने टेलीग्राम चैनल जो है यू पी एस सी पी सी एस फॉर्म उसको ज्वाइन नहीं किया है तो उसको ज़रूर ज्वाइन करें वहाँ पर मैं द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस के जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स होते हैं उसको शेयर करती हूँ और वो अंडरलाइन होते हैं और काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं मतलब आप पेपर पढ़ने से बचना चाहते हैं तो आप उन आर्टिकल्स को पढ़ सकते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं एग्जाम के किसी भी स्टेज पर और, और किसी भी एग्जाम पर मतलब जो भी आपके स्टेट पीसीएस और यूपी पीसीएस के एग्जाम है उसके लिए तो वो इम्पोर्टेंट है और स्टेज में भी जैसे कि प्रीलिम्स मेंस और इंटरव्यू ये तीनों स्टेज पे आपको बहुत इंपॉर्टेंट होंगे वो मतलब तो बहुत हेल्प देंगे तो आज हम देखेंगे से रिगार्डिंग क्वेश्चन को और पहला क्वेश्चन है इसमें कि द मदर ऑफ द फॉलोइंग मुगल एम्परर बिलोंग टू राजपूत कम्युनिटीज तो इनमें से कौन से जो मुगल एम्पर थे जिनकी जो माँ थी वो बिलोंग करती थी राजपूत कम्युनिटी से ये हमें बताना है तो वो थी वो थे जहांगीर और शाहजहां जहांगीर और शाहजहां जो थे उनकी माता जो थी वो बिलोंग करती थी राजपूत कम्युनिटी से तो जहांगीर किसके पुत्र थे अकबर और जोधाबाई के पुत्र थे जबकि जो शाहजहां है वो किसके पुत्र है जगत गोसाई यानी प्रिंसेस ऑफ मेवाड़ और जहांगीर के पुत्र हैं शाहजहां और ये दोनों ही बिलोंग करते हैं किससे

जो भी मेन प्रोविंसेस होते थे जो भी की प्रोविंसेस थी उनके जो गवर्नर होते थे ना तो मेनली उसके पुत्र होते थे जैसे कि औरंगजेब को अपॉइंट किया गया था डेक्कन का मुराद को अपॉइंट किया गया था गुजरात का सुजा को अपॉइंट किया गया था बंगाल को और शाहजहाँ ने अपने सक्सेसर ग्रुप में दारा सिको को बनाया था लेकिन दारा और औरंगजेब की जो बैटल होती है वो बैटल ऑफ देवराई होती है और ये जो अजमेर के

द अटैम्प्ट हमें बताना है यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट जो है वो मिलिट्री कैंपेन ऑफ शाहजहां के रिगार्डिंग इन है ठीक है तो यहाँ पे दोनों में से कोई भी स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट नहीं है क्योंकि कांधार वाल जो, था वो क्लेम किया गया था सफावेद सॉफ ईरान के द्वारा ठीक है और वो क्या करते हैं

ऑफ हिज फादर जहांगीर हमें बताना है यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट नहीं है मतलब इन करेक्ट स्टेटमेंट तो अभी हमने जस्ट देखा कि जो जहां शाहजहां है वो नॉमिनेट किया था किसको दारा सिको को ना कि औरंगजेब को एज ए सक्सेसर के रूप में तो पहले तो बिल्कुल रॉन्ग है इन द लास्ट डेज ही वॉज के प्रिजनर एट द फोर्ट ऑफ आगरा ये बिल्कुल सही बात है कि लास्ट जब डेज चल रहा था किसका शाहजहां का तो वो प्रिजनर बना लिया गया था फोर्ट ऑफ आगरा में तो ये बिल्कुल सही बात है ही वॉज बरेड अलोंग साइड ऑफ हिज फादर जहांगीर ये बिल्कुल गलत है इसलिए हमारा जो वन और थर्ड जो ऑप्शन है वो रॉन्ग है आपको पता है कि शाहजहाँ को कहाँ पे बरेड किया गया था ताजमहल में शाहजहां ने ही बिल्ट किया था ताजमहल को और उसको अपनी वाइफ के बगल में ही बरेड किया गया था ठीक तो है, है तो इसलिए जो थर्ड स्टेटमेंट है हमारा इनकरेक्ट होता तो वन और थर्ड जो स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा करेक्ट

यहाँ पर कोई भी स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट नहीं है जो बाग कैंपेन होता है वो प्रिंस दारा के अंतर्गत नहीं होता है प्रिंस मुराद के अंतर्गत ये लॉन्च होता है तो पहला तो बिल्कुल गलत है नजर मोहम्मद रुलर अब बाग आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम शाहजहाँ नहीं वो मना कर देते हैं ऑफ़र जो शाहजहाँ के द्वारा औरंगजेब के द्वारा मिलते हैं और मतलब इसलिए मना कर देते हैं कि वहाँ पर दिया बोला जाता है कि आपको सबमिशन करना होगा और वो इस चीज़ से इग्नोर कर देते हैं तो ये भी हमारा इनकरेक्ट है नजर मोहम्मद एज रूलर ऑफ रूर बाग ये भी गलत है द द द मुगल रूटेड आउटसाइड गेट ऑफ तो बाग ये भी गलत है तो हमारा ऑप्शन जो होगा इसमें से कोई नहीं होगा वन टू थ्री और फोर सभी इनकरेक्ट होगा नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फोर्टी एट नंबर क्वेश्चन द मोटिव बिहाइंड शाहजहां बाग कैंपेन वॉज टू तो मोटिव क्या था शाहजहां का बाग कैंपेन का तो सिक्योर ऑफ रूलर इन बाग एंड बदक्का विच बॉर्डर काबुल कनकर समरकंद एंड फरगना द मुगल होम फिक्स द मुगल फ्रंटायर ऑन द साइंटिफिक लाइन नियर अमुदारिया एक्सपेंड द मुगल एम्पायर बियॉन्ड द सब कॉन्टिनेंट हमें बताना है यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है तो शाहजहां का जो बाग कैंपेन था वो मेनली किस लिए था वो मेनली था कि सिक्योर अ फ्रेंडली फ्रेंडली रूलर इन बाग एंड बदक्ता विच बॉर्डर काबुल जो बा, बाक और बदखता जो बॉर्डर बनाते हैं किसके काबुल के साथ उसके उसके साथ फ्रेंडली रिलेशन बनाना और यही था किसका शाहजहां का मोटिव इसलिए हमारा ऑप्शन जो हो जाएगा, हो जाएगा जाएगा करेक्ट और वो क्या चाहते थे जो, जो रूलर थे वो चाहते थे हाउर हिज प्लान फेल्ड ड्यू टू कैप्चर्ड द ऑफ बाक एंड कंपेल इट्स रूलर टू

और डिनाई कर दिया था रेडिकल इस्लाम को दारुल इस्लाम को वो नहीं अपनाना चाहता था दारा शिको कौन था वो शाहजहाँ का बेटा था और नॉमिनेट किया गया था एज ए सक्सेसर उसको डिजिग्नेट किया गया था पादशाह ज्यादा ई बुजुर्ग मरतबा तो ध्यान रखेंगे पाशाह ई बुजुर्ग पादशा ज्यादा ई बुजुर्ग मरतबा किसको कहा जाता है तो वो कहा जाता है आपका दारा शिको को और डिफीट होता है वो औरंगजेब के द्वारा बैटल ऑफ सामोगगढ़ में औरंगजेब जो है बैटल ऑफ देवराय और सामोग आप समझ सकते हैं दोनों ही हुई थी किसके भी किसके बीच में ये, स, ये जो शाहजहां के जो पुत्र थे दारा और औरंगजेब बैटल ऑफ सामोग बैटल ऑफ देवराय बैटल ऑफ धर्म ये सब शाहजहां और शाहजहां के जो पुत्र थे औरंगजेब और दारा दारसिको के बीच में हुआ था ठीक है और इस जो ये जो बैटल हुआ था बैटल ऑफ सामोगगढ़ इसमें औरंगजेब को सपोर्ट किया था मुराद ने जो कि किसका बेटा था

खाजवा में और ये कहा पड़ता है अलाहाबाद जिसको प्रयागराज भी कहा जाता है ये बिल्कुल सही बात है बैटल ऑफ देवरा जो कि अजमेर के किनारे हुआ था और ये लास्ट मेजर बैटल था जो सिक्सटीन फिफ्टी नाइन एडी में हुआ था और इसमें जो दारा को दारा और औरंगजेब और के बीच में ये बैटल होता है और इसमें औरंगजेब जो है वो डिफीट कर देता है दारा को यहाँ पे दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा करेक्ट देख लेते हैं एक बार एक्सप्लेनेशन भी तो औरंगजेब जो है वो डिफीट कर देता है सुजा को खाजवा जो कि अलाहाबाद में है इन द वॉर ऑफ सक्सेशन कब 1658 एडी दिसंबर में और सुजा जो है हाउंडेड आउट कर दिए जीते इंडिया से कहाँ पे अरकान में अप्रैल सिक्सटीन सिक्सटी एडी में और उसकी फैमिली को भी और वहाँ से भी उनकी फैमिली और उसको अरक, मतलब अरकानस के द्वारा क्या कर दिया जाता है एग्जीक्यूट कर दिया जाता है और बैटल ऑफ देवराय जो होता है वो कहाँ पे होते हैं अजमेर में होता है मार्च 1659, में और ये मेजर बैटल होता है दारा और औरंगजेब के बीच में जिसमें दारा जो होता है है वो हार जाता बैटल ऑफ धर्म मैंने बताया कि बैटल ऑफ धर्म बैटल ऑफ ये देवराय और बैटल ऑफ एक और सामोग ये तीनों ही बैटल जो थे ये किसके किसके बीच में हुआ था दारा सिको औरंगजेब और के बीच में हुआ था ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा करेक्ट बैटल ऑफ धर्म जो होता है वो

ठीक है, फिफ्टी सेकेंड नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू रीजन ऑफ द टेरिटोरियल एक्सपेंशन एम्पायरिंग ऑफ एम्पायर हमें बताना यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है तो बिल्कुल पहला बिल्कुल सही है कि उसके टाइम पे सबसे ज्यादा टेरिटोरियल एक्सपेंशन हुआ था मुगल का तो वो बिल्कुल सही बात है और उसको बहुत ज़्यादा फेस करना पड़ता है रिवोल्ट जो कि एम्प्रायर के एम्पायर के अलग अलग पार्ट्स में अगर हो रहा था तो दोनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट थे इसलिए हमारा स्टेटमेंट जो होगा ऑप्शन जो होगा सी नंबर हो जाएगा करेक्ट औरंगजेब जो है वो थ्रोन पे आता है कब सिक्सटीन फिफ्टी एट ए में जब वो अपने भाई को डिफीट कर देता है और वो सेवनटीन जीरो सेवन ए तक रूल करता है उसके टाइम पर जो टेरिटोरियल एक्सटेंसन होता है मुग़ल एम्पायर का वो सबसे ज़्यादा होता है मतलब वो अपने पिक पे पहुँच जाता है वो एबल जनरल होता है और बहुत सारे जो डेक्किन का पार्ट होता है आपको पता है कि शाहजहाँ के टाइम पे वो डेक्न का गवर्नर भी रह चुका था कि डेकिन के रिवोल्ट को कम करने के लिए और इस तरीके से वो बहुत सारे जो डेक्किन वाले जो एरिया होते हैं वो उसको किसके अंदर लाते देता मुगल एम्प्रेर के अंदर ला देते हैं उसको लेकिन बहुत सारा फेस करना पड़ता है रिवोल्ट को जो अलग अलग एम्पर के अलग अलग जगहों पर हो रही थी ठीक जैसे कि जाट्स सिख मराठा ये सब रिवोल्ट कर रहे थे और इसके बाद ही जो मुगल्स का जो एम्पायर होता है वो धीरे धीरे डिक्लाइन होने स्टार्ट हो जाता है मेन रीज़न जो क्या होता है रिलीजियस पॉलिसी इसके जो रिलीजियस पॉलिसी जो थी औरंगजेब की वो काफ़ी इनटॉलरेंट पॉलिसी थी ठीक है जैसे कि हमने देखा था कि अकबर का जो रिलीजियस पॉलिसी था दारा सिको का रिलीजियस पॉलिसी था वो काफ़ी टॉलरेंट हुआ था इनफैक्ट जहांगीर और शाहजहाँ के भी इतने ज़्यादा इनटॉलरेंट नहीं थे जितना कि औरंगजेब के रहे इसके टैक्सेशन पॉलिसी बहुत टेरिटोरियल एक्सपेंशन बहुत ज़्यादा इसलिए ये अपने इकोनॉमी को बहुत अच्छे से क्या नहीं कर पाया कन्फाइन नहीं कर पाया उसको अच्छे से एडमिनिस्ट्रेटर नहीं कर पाया एडमिनिस्ट्रेट नहीं कर पाया फिफ्टी थर्ड नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट इन द कॉन्टेक्स्ट कॉन्टेक्स औरंगजेब के रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है ही फॉलोड लिबरल पॉलिसीज अगेंस्ट द पीपल ऑफ अदर रिलीजन जैट्स ऑफ मथुरा एंड सिक्स रिवोल्टेड अगेंस्ट हिम ही हीड बाई ब्रिटिश फोर्स वेन ही लेड एन एक्सपेडिशन टू ड्राइव इंग्लिश फ्रॉम चितागोंग और ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा मेन ऑफ द अबव में बताना है यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है तो पहला स्टेटमेंट तो बिल्कुल ही इनकरेक्ट है कि उसने लिबरल पॉलिसी इनटॉलरेंट पॉलिसी अपनाई थी लिबरल पॉलिसी तो आपका अकबर के द्वारा लिबरल अगर कहा जाए तो दारा शिकोह काफी लिबरल मुस्लिम सुआ करता था तो ये तो बिल्कुल गलत है डाट ऑफ सिख रिवोल्टेड अगेंस्ट हिम ये बिल्कुल बिल्कुल सही बात है ही वॉज डिफिटेड बाई ब्रिटिश फोर्सेज वेन ही लीड द एक्सपेडिशन टू ड्राइव आउट इंग्लिश फ्रॉम चिटागोंग ये भी बिल्कुल गलत बात है वो डिफीट नहीं हुआ था ब्रिटिश फोर्स के द्वारा जब वो एक्सपेडिशन लीड किया था इंग्लिश को मतलब इंग्लिश को हटाने के लिए ड्राइव आउट करने के लिए चिट्टोंग से ठीक है तो ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन आखिर सब रॉन्ग है और वो क्या कर लेता है चिटागॉ का जो पार्ट होता है उसको कैप्चर कर लेता है और एनेक्स कर लेता है इंटरेस्ट ऑफ अदर विच सिख गुरु वॉज किल्ड ऑन द ऑर्डर ऑफ औरंगजेब इन दर सिक्सटीन सेवन एडी तो कौन सा सिख गुरु को मार दिया गया था औरंगजेब के द्वारा और क्योंकि सिख और Aurangzeb मतलब मुगल्स मतलब के बीच में बहुत ज्यादा कंफ्लिक्ट स्टार्ट हो गए थे तो वो थे गुरु तेग बहादुर जो कि गुरु गोविंद सिंह के पिताजी थे ठीक है उनको वो मरवा देता है तो द ऑप्शन जो नाइन्थ गुरु थे गुरु तेग बहादुर उनको मार दिया जाता है औरंगजेब के ऑर्डर पे 1675 सेवेंटी मेन जो रीजन होता है वो जो ग्रोइंग मतलब जो पॉलिसी होता है ना उसका बहुत इनटॉलरेंट पॉलिसी होता है और इनटॉलरेंट पॉलिसी की वजह से बहुत ज्यादा स्टार्ट हो गए थे सिखिज्म और मुगल्स के बीच में और की वजह से उसने एग्जीक्यूशन स्टार्ट कर दिया था गुरु का ठीक है उनकी पॉपुलरिटी को वो कम कंट्रोल करने की कोशिश करने लगा था ठीक है और साथ ही साथ ये जो हिंदूज और मुस्लिम्स थे सिख्स थे वो क्या करते थे कश्मीरी ब्राह्मण्स को हेल्प कर रहे थे अप्रोच कर रहे थे हेल्प करने के लिए और इसलिए उसने प्रोसीक्यूट करवा दिया कुरूज को ठीक है और गुरु अर्जुन देव आप ध्यान में रखेंगे वो उनको मरवाया गया था किसके द्वारा? जहांगीर के द्वारा जो कि पांचवे गुरु थे 56 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं कि ज़र्दो फॉलोइंग एसर्शन एंड रीज़न चूज़ द करेक्ट कोड इन द बैटल ऑफ 1672 बिटवीन मुगल्स फोर्स एंड पिजेंट्स वॉज फॉर्ड एट नर्नॉल इट वाज़ लेड बाय रिलीजियस बॉडी कॉल्ड सतनाबीज हमें बताना है यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है तो पहला स्टेटमेंट जो है कि बैटल जो 1672 सेवेंटी एडी का हुआ था वो किसके बीच में मुगल्स और पिजेंट्स के बीच में हुआ था जो कि कहाँ पर हुआ था नॉर्नॉल में तो बिल्कुल सही बात है और ये रिलीजियस बॉडी कॉल्ड सतनामीज़ के द्वारा हुआ था ये भी बिल्कुल सही बात है लेकिन रीज़न जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं देता है एसोसिएशन का इसलिए दोनों ही हमारे ऑप्शन सही तो हैं लेकिन एक दूसरे का करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं देते इसलिए ऑप्शन नंबर बी हो जाता है हमारा करेक्ट आम ने कन्फ्लिक्ट हो जाता है जो पिजेंट्स होते हैं और मुगल्स होते हैं और यही करता है दोनों के बीच में युद्ध निर्नॉल में जो कि मथुरा के किनारे पड़ता है और एक रिलीजियस बॉडी होती थी सतनामी जो कि मेनली पिजेंट्स थे ठीक है Artigans थे लो कास्ट पीपल थे और इसके बाद बहुत सारे जो इस लड़ाई के बाद क्या होता है कि बहुत सारे सतनामी जाता है मुगल सोल्जर्स के द्वारा फिफ्टी सिक्स नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं आर इज द फॉलोइंग बैटल इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर चूजिंग द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन बताने यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट होगा रिगार्डिंग द मतलब ये

बैटल ऑफ नौज भी कहा जाते तो ध्यान रखेंगे बैटल ऑफ बिलग्राम को बैटल ऑफ नौज भी कहते हैं और ये होता है पंद्रह में इसके पहले एक और वॉर हुआ था किसके किसके बीच में हुमायूं और शेरशाह सूर्य के बीच में जिसको बैटल ऑफ चौसा कहते हैं जो कि बिहार के चौसा रीजन में हुआ था तो ये दोनों ही चीज आप ध्यान में रखेंगे बाकी हमारा जो ऑप्शन होगा आपको पता ही है बैटल ऑफ बिलग्राम तो पहले ही हुआ है क्योंकि ये हुमायूं और किसके किसके बीच में होता है हुमायूं और शेरशाह सूर्य के बीच में तो सबसे पहले आपका हो जाएगा सेकेंड

दारा शिकोह के बीच में तो ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा करेक्ट क्योंकि सबसे पहले होता है बैटल ऑफ विलग्राम उसके बाद होता है बैटल ऑफ धर्मत उसके बाद होता है बैटल ऑफ सामोगर एंड उसके बाद होता है बैटल ऑफ देवराय और यहां पे उसके एक्सप्लेनेशन दिए हुए हैं कि 1658 में होती है और औरंगजेब जो है डिफीट कर देता है जो बैटल ऑफ धर्मत होता है दारा शिकोह को दारा शिकोह के फोर्स को बैटल पे सारो सामगढ़ में भी ये भी होता है दारसिको और औरंगजेब के बीच में और इसमें भी औरंगजेब जो है वो खुद को क्रोनेट कर लेता है कहाँ पर आगरा में बैटल ऑफ देवराय जो है वो, वो लास्ट बैटल होता है वॉर ऑफ सक्सेशन का और ये भी होता है मुगल एम्प्रायर और दारा और उसके बाद जो औरंगजेब होता है वो बन जाता है रूलर

नौरोज फेस्टिवल सबसे पहले स्टार्ट किया गया था बलबन के द्वारा द पेबोस स्टार्ट किया गया था बलबन के द्वारा और बलबन किसके बिलोंग करता था स्लीप डेनिस्टी से बिलोंग करता था ठीक है उसके बाद प्रोफेसियन था वो तबला बजाने में नहीं वीना वीना बजाने में वो प्रोफेसियन था तो ये भी नहीं होगा और ग्रैंड ऑफ जरो दर्शन व नहीं उसके टाइम पे ख़त्म कर दिया गया था लगभग तो ये तीनों ही नहीं था और इसमें से कोई भी ऑप्शन नहीं होगा तीनों ही इनकरेक्ट होंगे तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा इनकरेक्ट ऑप्शन नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे मुगल एडमिनिस्ट्रेशन से रिगार्डिंग थैंक यू सो मच बाय